नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक का नया टॉपिक लाया हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो हमारा फोटो रजिस्टर होता है, ये हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रहता है। ये भी एक टाइप का हमारा रजिस्टर ही रहता है। ये देखिए, ये भी हमारा, ये हमारा सिंबल ऑफ LDR है। ये भी हमारा एक टाइप का रजिस्टर है। बस इसका ये जो सिंबल है, इसके वजह से ये हमारा डिफरेंट लगता है। नहीं तो हम ये सिंबल हटा देते, ये भी हमें एक टाइप का रजिस्टर ही देखने को मिलता है। ये जो हमारा फोटो रजिस्टर है या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये हमारे फोटो सेल के लाइट के ऊपर कंट्रोल करता है। जब हमारे फोटो सेल के ऊपर कम रेजिस्टेंस या कम लाइट पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब हमारे इसके ऊपर LDR के ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ज़्यादा रोशनी आएगी, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये डिक्रीज और मतलब ये बढ़ता और घटते रहता है हमारे रेजिस्टेंस, लाइट के रेजिस्टेंस के हिसाब से। लाइट हमारी कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाइट हमारी ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये हमारे इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हमारे मेटल फिल्म कंटेक्ट का बना हुआ है। ये हमारा कैडमियम सल्फेट तिरे का मेटल फिल्म कॉन्टेक्ट। ये देखिए, ये इसका हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये यूज चलते हैं स्ट्रीट लाइट में, ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ में। जैसे हमारे ये देखिए, इसमें हमारे में क्या होता है, पहले जो हमारी स्ट्रीट लाइट थी वो हमें मैनुअली ऑन करनी पड़ती थी रात में, फिर दिन में ऑफ करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो हमारे इसमें, ये हमारे रेजिस्टेंस के लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान दे सकते हैं जाकर। जो हमारी स्ट्रीट लाइट रहती है उसे अब कोई ऑन नहीं करता, वो ऑटोमेटिक हमारे ऑन हो जाती है। वो LDR के ऊपर ही हमारे वर्क चलती है। जैसे उसमें हमारा अंधेरा होता है, जैसे हमारा रात होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो जल जाती है। जैसे हमारा उजाला होते रहता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती रहती है और वो बुझ जाती है। हमारे रात में 12 बजे बिल्कुल जब एकदम रात रहती है, जब उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, और दोपहर में 12 बजे जब हाई लाइट रहती है, जब उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स सर्किट, ये हमारा LDR कहाँ का यूज होता है, ये हमारे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सर्किट में यूज होता है। सिंपल फायर अलार्म सर्किट, जब हमारा फायर अलार्म सर्किट में भी यूज हो सकता है ये। और ये हमारे लाइट एक्टिव स्विच सर्किट में यूज होता है। ऑटोमेटिक LED इमरजेंसी लाइट में यूज हो जाता है। नाइट सिक्योरिटी लाइट में यूज हो जाता है, जो हमारा रात का सिक्योरिटी कैमरा रहता है वो सब में, और नाइट सिक्योरिटी लाइट ये सब में हमारा ये यूज होता है LDR। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। हमारा इसके एडवांटेज क्या है, LDR ये हमारे लो कॉस्ट डिवाइस होती है, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, और इसका जो साइज रहता है वो भी कम रहता है, और ये वेरी सिंपल डिवाइस, मतलब ये बहुत आसान डिवाइस है। LDR को कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत सिंपल रहता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, LDR ये बहुत हमारा सेंसिटिव डिवाइस नहीं है, और इसमें इनएक्यूरेटी रिजल्ट ये कभी कभी हमारे टेम्परेचर के उससे चेंज हो जाता है। जैसे हमारे दिन में भी कभी मानिए कि हमारे बारिश आ रही है, हमारा मौसम वैसा हो गया, कभी अंधेरा सा हो जाता है, जब भी हमारी ये लाइट जल जाती तो ये हमारे इनएक्यूरेट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी है नहीं के रिजल्ट में। ये इसका LDR कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जब हमारा अंधेरा रहता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, जब जैसे जैसे हमारा डे लाइट या सन लाइट होता रहता है, जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे उजाला होता रहता है, हमारे इसकी रेजिस्टेंस कम होते रहती है, और बिल्कुल सन लाइट में ये हमारे बिल्कुल मिनिमम आ जाता है, और बिल्कुल डार्क में ये हमारा
मैक्सिमम में पहुंच जाती है, डार्क लाइट में हमारी मैक्सिमम में पहुंच जाती है और सनलाइट में हमारे मिनिमम में आ जाती है। और ये जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे उजाला होता है इसकी रेजिस्टेंस कम होते रहती है, और जैसे जैसे अंधेरा होता है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ते रहता है। ये हमारा LDR का कैरेक्टरिस्टिक है। हाय गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमें अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।